गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम लेकर आए हैं टिकट एल्बम का ही अगला अभ्यास। इस अभ्यास में हम कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे और उनके प्रयोग को जानेंगे। यह अभ्यास आधारित है आपके पेज क्रमांक 67 यानी 67 पर, भाषा की बात में। यहाँ आप देख सकते हो पेज क्रमांक 67 भाषा की बात। भाषा की बात में यहाँ पर आपको ये अभ्यास दिया गया है, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो, अब स्वयं सोचकर उनके वाक्य लिखो। यानी कि आपको उन्होंने शब्द दे दिए हैं, यहाँ मैंने कुछ शब्द लिए हैं, वो शब्द लिए हैं, उनके अर्थ आपको समझना है और उसके बाद वाक्य बनाना है। मैंने अर्थ इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको शब्दों के अर्थ पता होंगे तो वाक्य बनाने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। पहला शब्द दिया घोंसना, घोंसना यानी फंसाना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को कहीं फंसा कर रख देते हो, पेपर है आपको जगह नहीं है, आपने लेके खिड़की के अंदर उसे घोंस दिया, रख दिया है, या फिर माँ होती काम करते वक्त अपने साड़ी के या दुपट्टे पल्लों को क्या करती है, घोंस लेती है कमर में, तो वो घोंसना कहलाता है, रखना। आप कैसे लिख सकते हो घोंसना, माँ ने, हम यहाँ वाक्य बना सकते हैं, माँ ने साड़ी का पल्ला, अब पल्ला उनके हाथ में है, अब वो काम में आ रहा है, काम करते समय बीच में ना आए तो वो क्या करती है, माँ ने साड़ी का पल्ला खोस लिया, हाँ खोस लिया कमर में, तो यहाँ हम लिख देंगे कि माँ ने साड़ी का पल्ला खोस लिया। खोस लिया कई बार काम करते समय आपने देखा माँ लोग काम करती है तो वो उनको आता है, वो लेके कमर में वो साड़ी का पल्ला लगा देती है। फिर आया जमघट, जमघट यानी भीड़। हम देखते हैं सड़क पर कोई घटना हो जाती है तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, या फिर कोई नदी पर जाते पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ होती है, तो जमघट यानी भीड़। तो हम ये कह सकते हैं सड़क पर लोगों का जमघट लगा था, जमघट लगा था, तो जमघट लगा था यानी कि सड़क पर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, सड़क पर लोगों का जमघट लगा था। जमघट पर अप्लाई कर देंगे। टटोलना यानी ढूंढना, अब ये ढूंढना ऐसा है कि जो चीज़ हमें अंदाज नहीं है हम अंदाज से ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हम माने कि रात को लाइट नहीं है या फिर अंधेरा हो गया है या कोई चीज़ आपकी ऊपर वाली रेख यानी शेल्फ अलमारी पर रखी और आपको दिखाई नहीं दे रही, तो आप क्या करते हो अंदाज से ऐसे ऐसे करके छूके देखते हो ना टटोल के, तो अंदाज लगाकर अनुमान से खोजना कि भाई आपका पेन खो गया है, अलमीरा गई है टेबल के नीचे, तो आप ऐसे करके उसको हाथ डाल के देखते हो, फिर कहते हो हाँ ये मेरा पेन है, तो टटोलना यानी खोजना, टटोलना। अंधेरे में मैंने मोमबत्ती टटोल कर लाया, टटोल कर लाया, क्योंकि अंधेरा इतना था कि आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, तो आपने क्या लिखा, अंधेरे में मैं मोमबत्ती टटोल कर लाया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने टटोल के रेख में ढूंढा, मुझे मोमबत्ती मिल गई। फिर नेता, अगुआ का मतलब होता है नेता, यहाँ पर हमने अगुआ से शब्द बनाया है, तो पार्वती, हमने पाठ में पढ़ा था पार्वती जो लड़कियों की नेता थी, अगुआ बनकर आती थी, है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पार्वती लड़कियों की अगुआ, लड़कियों की अगुआ थी, कौन थी, अगुआ थी, यानी पार्वती जो लड़की है वो लड़कियों की अगुआ बनकर आई, यानी कि उनकी लीडर बनकर आई, अगुआ थी। फिर एकड़ी, एकड़ी यानी अकड़, कि तुम मुझे बिना नाम की एकड़ी मत दिखाओ, वह मुझे, हम बाकी क्या बना सकते हैं, वह मुझे एकड़ी दिखा रहा था, वह मुझे एकड़ी
दिखा रहा था। यहाँ हमने क्या दिखा रहा था, अनलाइन कर दीजिए। तो इस प्रकार हमने कुछ शब्द देखे, खोसना यानी फसाना, माने साड़ी कमर में खोस ली, जमघट यानी भीड़ सड़क पर लोगों का जमघट लगा था, टटोलना अंधेरे में मैं मोमबत्ती टटोल कर लाया, अगवा नीता पार्वती लड़कियों की अगवा थी, उसके अलावा हेकड़ी वो मुझे हेकड़ी दिखा रहा है यानी अकड़ दिखा रहा है। इसके अलावा कुछ शब्द ले गए रह गए, जैसे पुचकारना यानी प्यार करना, माँ ने मुझे पुचकार कर कहा, फिर खलना यानी बुरा लगना कि मुझे तुम्हारी खामोशी चुप रहना खल रहा है बुरा लग रहा है, फिर तारीफ यानी प्रशंसा कि अच्छा काम करने पर अध्यापक ने मेरी प्रशंसा यानी तारीफ की। इस प्रकार विभिन्न शब्दों के अर्थ लिखिए, उनको कॉपी में लेखबद्ध करना है, ये वैसे भी आपकी भाषा की बात की का अभ्यास है तो आपको कॉपी में लिखना ही है, लेकिन इनके शब्दों के साथ उनके अर्थ अवश्य लिखिए ताकि उनका वाक्य बनाना आपको आसान रहे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो, हम आपसे अगले मॉड्यूल के माध्यम से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और स्टडी करते रहिए, मॉड्यूल देखते रहिए। टेक केयर, बाय।